अस्सलामु अलैकुम। इन्हिराफ़ नूर पार्ट टू में हम इन्हिराफ़ नुमा और सितारों की झिलमिलाहट के मुतालिक पढ़ेंगे। सबक नंबर 6 इन्हिराफ़ नूर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट वन की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। पार्ट वन में हम तजुर्बा करके देख चुके हैं पानी में रखी हुई शय से निकलने वाली शुआएं सतह पर इन्हिराफ होकर हम तक पहुंचती हैं तो वो शय हमें अपने मुकाम से ऊपर उठी हुई नज़र आती है। अब हम इन्हिराफ नुमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मुतालिक पढ़ेंगे। इन्हिराफ नुमा वास्ते में नूर की रफ्तार पर मुनहसिर होता है। यहाँ पर वास्ता एक हवा है, वास्ता दो शीशा है। नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है। फर्ज कीजिए वास्ता एक में नूर की रफ्तार V1 है। वास्ता दो में दाखिल होने के बाद नूर की रफ्तार V2 है। इन्हिराफ नुमा को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ़ अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इन्हिराफ नुमा N से ज़ाहिर करते हैं, दूसरी अलामत है ईटा की अलामत है, ये इससे भी ज़ाहिर किया जा सकता है, या फिर म्यू अलामत से ज़ाहिर किया जा सकता है। हम सिर्फ जो है एन अलामत का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा उसे यहाँ पर दो इस तरह लिखना होगा, यानी शीशे का इन्हिराफ नुमा किसकी बनिस्बत पहले वास्ते की बनिस्बत, इसको भी यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। इस तरह पहले वास्ते की बनिस्बत दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा N लिखकर सामने दो लिखा जाता है और जिसकी बनिस्बत है उसे यहाँ पर ज़ाहिर किया जाता है 1। तो ये इसको ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर ये जुमला लिखना ज़रूरी है। उसी तरह पहले वास्ते का इन्हिराफ नुमा उसको यहाँ पर 1 लिखना है, किसकी बनिस्बत दूसरे की बनिस्बत, तो उसको यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो इस तरह हम ज़ाहिर कर रहे हैं इसका ये जुमला यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। इस तरह दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा बराबर 2N1 बराबर ज़ाब्ता है V1/V2। V1 यानी नूर की रफ्तार वास्ता 1 में और V2 यानि नूर की रफ्तार वास्ता 2 में। इस तरह जिसका इन्हिराफ नुमा यानि दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा हम लिख रहे हैं तो ये 2 यानि उसकी जो रफ्तार है V2 वो नसब नुमा में आएगा और जिसकी बनिस्बत है वो शुमार खुनिंदा में आएगा V1/V2। पहले वास्ते का इन्हिराफ नुमा यानी 1N दूसरे वास्ते की बनिस्बत, इसलिए 2 यहाँ पर आया। अब इसके हिसाब से हम ज़ाब्ता लिखेंगे 1N2 बराबर पहले का इन्हिराफ नुमा लिख रहे हैं इसलिए V1 नीचे नसब नुमा में आएगा और ऊपर जिसके बनिस्बत लिखा जा रहा है वो ऊपर आएगा V2, यानी
वास्ता दो से वास्ता एक में शुवा गुजर रही है। तो वास्ता एक का यानी पहले वास्ते का इन्हराफ नुमा मालूम करने के लिए वी टू बटे वी वन इस तरह ये निस्बत लेंगे। अगर पहला वास्ता खला हो तो दूसरे वास्ते का इन्हराफ नुमा मुतलक इन्हराफ नुमा होता है। इसे सिर्फ एन से ज़ाहिर करते हैं यानी एन बराबर खला में रफ्तार बटे जो दूसरा वास्ता है। फ़र्ज़ करो अगर शीशा है तो शीशे में यानि ग्लास में रफ्तार, खला में रफ्तार और हवा में रफ्तार तकरीबन यकसा होती है। तो हवा की जो रफ्तार है, हवा में जो नूर की रफ्तार है, उसे अलामत सी से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए इसे भी हम सी से ज़ाहिर करेंगे। सी बटे वी जी, जी यानी यहाँ पर ग्लास यानि खला से शीशे में नूर की रफ्तार की निस्बत बराबर शीशे का मुतलक इन्हराफ नुमा है। अगर दूसरे वास्ते का इन्हराफ नुमा पहले वास्ते की बनिस्बत 2n1 हो यानी ये 2 दूसरे वास्ते के इन्हराफ नुमा के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है और तीसरे वास्ते का इन्हराफ नुमा दूसरे वास्ते की बनिस्बत 3n2 हो यानी ये जो 3 है ये तीसरे वास्ते का इन्हराफ नुमा को ज़ाहिर कर रहा है और 2 जो है ये दूसरे वास्ते की बनिस्बत के लिए लिखा गया है हो तब 3n1 का क्या मतलब होगा, उसकी कीमत कितनी होगी। यानी यहाँ पर जो कीमत पूछी गई है वो दरअसल 3n2 की पूछी गई है। 3n1 का मतलब क्या होगा, 3 यानी यहाँ पर तीसरा वास्ता, 3rd वास्ते का इन्हराफ नुमा पहले वास्ते की बनिस्बत, उसका ये मतलब हुआ। 3n1 का मतलब 3rd वास्ते का इन्हराफ नुमा पहले वास्ते की बनिस्बत होगा। थ्री एन टू की कीमत मालूम करना है क्योंकि 3n1 की कीमत और 2n1 की कीमत चार्ट में दी गई है, मालूम करना है 3n2 की कीमत। उसके लिए हम ज़ाब्ता तैयार करेंगे। 2n1 यानी दूसरे वास्ते में इन्हराफ नुमा, तो V2 नीचे आएगा और जिसकी बनिस्बत है वो V1 ऊपर। इस तरह 2n1 बराबर V1 बटे V2। उसी तरह 3n2 तीसरे वास्ते का इन्हराफ नुमा, उसको V3 नीचे आएगा और ये 2 की बनिस्बत, इसलिए V2 ऊपर आएगा। इस तरह 3n2 बराबर V2 बटे V3। उसी तरह 3n1 बराबर ये V3 नीचे आएगा और V1 ऊपर आएगा। इस तरह ये 3 ज़ाब्ते रफ्तार के ताल्लुक से हैं। अब हम ज़ाब्तों की तरफ ध्यान देंगे। किसके 2 को ज़र्ब करके
तीसरा हासिल होता है। यहाँ पर वी वन बटे वी टू है, ये वी टू बटे वी थ्री है, तो ये अगर कट हुआ तो ये वी वन बटे वी थ्री इसके मसावी आएगा, यानी टू एन वन यानी टू एन वन जर थ्री एन टू बराबर टू एन वन वी वन बटे वी टू जर टू एन टू थ्री एन टू बराबर वी टू बटे वी थ्री। यहाँ पर ये वी टू और वी टू कट हो गया, तो बाकी बचा वी वन बटे वी थ्री, और वी वन बटे वी थ्री क्या है थ्री एन वन। इस तरह हमें जाप्ता हासिल हुआ टू एन वन ज़र्ब थ्री एन टू बराबर थ्री एन वन। तो टू एन वन ज़र्ब थ्री एन टू बराबर थ्री एन वन इस ज़ाप्ते का इस्तेमाल करते हुए हम थ्री एन टू की कीमत मालूम कर सकते हैं। हमको थ्री एन टू की कीमत मालूम करना है। फर्ज कीजिए खला एक वास्ता है, मिट्टी का तेल दो नंबर वास्ता है, पानी तीन नंबर वास्ता है, जाप्ता है टू एन वन ज़र्ब थ्री एन टू बराबर थ्री एन वन। यहाँ पर शक्ल में एक नली है, नली में खला है, हवा नहीं है, खला से यहाँ पर ये मिट्टी का तेल है और ये पानी है। खला से नूर की शुआ एक वास्ते से, यानी खला से मिट्टी के तेल में दाखिल होती है तो ये इन्हराफ होता है। मिट्टी का तेल ये दो नंबर वास्ता है और पानी ये तीन नंबर वास्ता है, इसमें फिर इन्हराफ होता है। चार्ट के मुताबिक 2N1 यानी मिट्टी के तेल का इन्हराफ नुमा 1.39 और 3N2 हमको मालूम करना है, और तीसरा वास्ता यहाँ पर पानी है, पानी का इन्हराफ नुमा यानी 3N1 चार्ट के मुताबिक 1.33 है। ये कीमतें लेकर हम 3N2 की कीमत मालूम करेंगे। 2N1 यानी मिट्टी के तेल का इन्हराफ नुमा 1.39 है, ज़र्ब 3N2 मालूम करना है बराबर 3N1 यानी पानी का इन्हराफ नुमा खला की बनिस्बत 1.33 चार्ट में दिया हुआ है। तो इस तरह 3N2 बराबर 1.33 बटे 1.39 1.33/1.39 तकसीम करने पर जवाब आता है 0.95, यानी कि पानी का इन्हराफ नुमा मिट्टी के तेल की बनिस्बत है। पानी का इन्हराफ नुमा 0.95 मिट्टी के तेल की बनिस्बत यानी 3N2। इस तरह हम ये कीमत मालूम किए। हमने देखा है कि शुआए वकू जब लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तो वो उमूर की जानिब झुक जाती है। जब नूर की शुआ कसीफ़ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब वो उमूर से परे हट जाती है।
अगर नूर की शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होते वक्त वास्ते में उमूरी दाखिल हो तो उसकी सिमत नहीं बदलती, यानी इसका इन्हराफ नहीं होता। शुआए वकू उमूद के साथ सिफर दर्जे का जाविया बनाती है, यानी आई बराबर सिफर आर बराबर सिफर होगा। मुकामी फिजाई माहौल का इन्हराफ नूर पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। शराब यानी धोखा जो इन्हराफ नूर की वजह से होता है, इसकी कुछ मिसालें हम देखेंगे। मौसम गर्मा में जब हम बस में सफ़र करते हैं और सामने सड़क पर देखते हैं तो हमें पानी नज़र आता है। गर्म सड़क पर आसपास की हवा गर्म होकर लतीफ़ हो जाती है। नूर की शुआओं के इन्हराफ की वजह से बादल का अक्स सड़क पर पानी की शक्ल में नज़र आता है। ये दरअसल एक धोखा है, इसे सराब कहते हैं। करीब जाने पर पानी गायब हो जाता है। रेगिस्तानी इलाके में रेत गर्म हो जाती है तो ज़मीनी हिस्सा भी गर्म हो जाता है। उसके करीबी हवा की तहें गर्म होकर लतीफ़ हो जाती हैं। ऊपर की हवा कदरे कम गर्म होती है, नीचे के मुकाबले ऊपर की तहें कसीफ होती हैं। दूर की अशिया दरख्तों पर जब रोशनी पड़ती है तो उनसे नूर की शुआएं ज़मीन की तरफ इन्हराफ करते हुए आती हैं। इनके रास्ते में जब हम पहुंच जाते हैं और सामने नीचे की जानिब देखते हैं तो हमें इन दरख्तों के अक्स नज़र आते हैं। इसे ही सराब कहते हैं। करीब जाने पर वो गायब हो जाते हैं। पहले हम लतीफ़ और कसीफ का मतलब समझेंगे। ज़मीन के अतराफ ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, आबी बुखारात और धूल पाई जाती है। ज़मीन के अतराफ इन गैसों की वजह से हवा कसीफ होती है। जैसे जैसे ज़मीन से दूर होते जाते हैं इन गैसों की मिकदार कम होती जाती है और हवा लतीफ़ होती जाती है। इस तरह लतीफ़ यानी इसमें दूसरी गैसों का तनासुब कम होता है। कसीफ़ यानी ज़्यादा मिकदार में तमाम किस्म की गैसें इसमें पाई जाती हैं जो ज़मीन के अतराफ़ की तह, इस तरह ये फिजाई तहें कहलाती हैं। तह दर तह इस तरह ये फिजाई तहें हैं। सितारों की झिलमिलाहट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सितारे क्यों झिलमिलाते हैं? फिजा का बड़े पैमाने पर होने वाले इन्हराफ नूर के असर से तारे झिलमिलाते हैं। तारे खुद की रोशनी से चमकते हैं और हमें रात में दिखाई देते हैं। तारे बहुत दूर होने की वजह से रोशनी के नुक्ते मंबों की मानिंद दिखाई देते हैं, यानी रोशनी सिर्फ एक नुक्ते से आती हुई नजर आती है। माहौल में ज़मीन की जानिब कसाफत बढ़ती जाती है, इसलिए हवा का इन्हराफ नुमा भी बढ़ता जाता है। तारों की रोशनी जब फिजा में दाखिल होती है तो इन्हराफ होता है। रोशनी उमूद की जानिब छुप जाती है और हम तक पहुंचती है। हम उसकी जानिब देखते हैं तो तारा अपने हकीकी मुकाम से किसी कदर बुलंदी पर महसूस होता है। तारे का ये मजाजी मकाम यानी हकीकत में तारा उस मकाम पर नहीं होता। इस तरह तारे का मजाजी मकाम भी साकिन नहीं होता। हवा के मुसलसिल हरकत करने, दर्जा हरारत और कसाफत में तब्दीली की वजह से तारे का मजाजी मकाम और रोशनी भी मुसलसिल बदलती रहती है, इसलिए वो हमें
झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। रोशनी के नुक्तई मंबों का मजमुआ यानी क्या? सामने आपको रोशनी नजर आ रही है, हम इसे करीब से देखेंगे। ये दरअसल रोशनी के तीन नुक्तों का मजमुआ है जिनकी रोशनी कम या ज्यादा हो रही है। इसी तरह फल की अजसाम सैारे सैारचों पर सूरज की रोशनी जिन हिस्सों पर पड़ती है वो हिस्से भी चमकते हैं। सैारे हमें सितारों की तरह झिलमिलाते दिखाई नहीं देते क्योंकि वो तारों की बनिस्बत हमसे बहुत करीब हैं। वो रोशनी के नुक्तई मंबों के मजमुए की तरह होते हैं। फिजा में तब्दीलियों की वजह से कुछ नुकात की रोशनी कम और कुछ नुकात की रोशनी ज्यादा होती है। उनके मुकाम भी तब्दील होते हैं लेकिन उनकी मजमुई औसत रोशनी और मुकाम मुस्तकिल रहते हैं, इसलिए सैारे झिलमिलाते हुए महसूस नहीं होते। सैारों को पावरफुल ताकतवर दूरबीन से देखने पर उनकी अशकाल इस तरह नजर आती हैं। आप जानते हैं तुलू आफ्ताब यानी सूरज का उफक पर नमूदार होना है। ज़मीन के अदराफ फिजाई तहे पाई जाती हैं। कुर्रे हवा में ऊपर से ज़मीन की तरफ गैसों की मिकदार बढ़ती जाती है यानि हवा ज़मीन के करीब ज़्यादा कसीफ होती जाती है। जब सूरज उफक से नीचे होता है यानि उफक पर नमूदार होने से कुछ मिनट पहले सूरज की शुआएं कुर्रे हवा में दाखिल होती हैं तो हर तह में इन्हराफ होता है यानि शुआएं उमूद की जानिब झुक जाती हैं और हम तक पहुँचती हैं। जब हम उन शुआओं की तरफ देखते हैं तो सूरज हमें उफक से ऊपर नजर आता है, इसीलिए सूरज हमें उफक पर नमूदार होने से कबल ही दिखाई देता है। उसी तरह ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त भी सूरज उफक से नीचे चले जाने के दो मिनट बाद भी सूरज की शुआएं कुर्रे हवा में इन्हराफ करते हुए ज़मीन पर पहुंचती रहती हैं, जिसकी वजह से उन शुआओं की सिमत में देखने पर सूरज उफक से ऊपर नज़र आता है जबकि वो उफक से नीचे जा चुका होता है। आगे का हिस्सा पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगा। इन सवालात के जवाब अपनी बयाज में लिखें।